हाउ टू हुक ऑडियंस इन जस्ट 15 सेकेंड। या यूट्यूब की जो मेन थिंग मैटर करती है वो यही है कि ऑडियंस को 15 सेकेंड कैसे रोकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो तुम्हें पता ही होगा, शुरू के 15 सेकेंड में ही ऑडियंस डिसाइड कर लेती है कि वो तुम्हारी वीडियो देखेगी या फिर नहीं। अगर 15 सेकेंड के पहले ही ऑडियंस वीडियो को छोड़ के चली गई, सो यूट्यूब तुम्हारी वीडियो को रिकमेंड करना बंद कर देता है। और अगर तुमने भले ही पूरी वीडियो में गॉड लेवल एडिटिंग भी कर रखी हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने फर्स्ट 15 सेकंड को एंगेजिंग ही नहीं बनाया है। सो कुछ स्टेप्स लेकर आया हूँ, अगर तुमने उन्हें फॉलो भी कर लिया तो तुम्हारा अच्छा खासा इंट्रो इम्प्रूव हो सकता है। और थर्ड स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 1, क्रिएट सस्पेंस। देखो, अगर तुम इंट्रो में ऑडियंस को सस्पेंस कर देते हो तो तुम्हारी वीडियो ऑडियंस एंड तक जरूर देखेगी। लाइक तुमने मेन क्लिप को इंट्रो में चिपकाकर ऑडियंस को हुक कर दिया, वो मजबूर हो गए एंड तक देखने के लिए। जैसे कि मिस्टर इंडियन हैकर ही को देख लो। तुमने देखा कि कैसे इन्होंने अपने मेन सीन को इंट्रो में लगाकर ऑडियंस को हुक कर लिया। एंड दैट्स रीजन बिहाइंड इंडियन हैकर क्रॉस 38 मिलियन सब्सक्राइबर्स। स्टेप नंबर 2, अपने पहले 15 सेकंड में तुम कुछ ऐसा बोल दो कि वो ऑडियंस को हुक करने का काम करे। लाइक तुमने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर इस मेथड को यूज करके ग्रो करते हैं। तुम चाहे डिकोडिंग वाईटी को देख लो या फिर मनोज देखो, उनके 15 सेकंड ही ऑडियंस को पूरी वीडियो में बनाए रखते हैं। अब तुम्हारा चैनल कॉमेडी का है तो तुम्हें बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करना होता है। और अगर तुम्हारा चैनल गेमिंग का है तो तुम अपनी मेन गेम प्लेइंग की क्लिप को वीडियो में पहले दिखा दो, जो कि मैंने तुम्हें बताया था गेमिंग कैटेगरी में अज्जू भाई इस मेथड को यूज करते हैं। प्रूफ आपके सामने है। अज्जू भाई नहीं डरते किसी मंजर से, देख लो बहुत बच्चे देखे इसे। तो भाइयों, एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग खेलेंगे स्टेप नंबर 3। तुमने आजकल कुछ लोगों को देखा होगा कि वो एनिमेशन इंट्रो बहुत लगाते हैं, लाइक गेमिंग कैटेगरी के लोग ज्यादा लगाते हैं। तुम यार एक बात बताओ, अगर तुम 8-9 सेकंड का एनिमेशन टाइप लोगो लगा दोगे तो ऑडियंस तुम्हारी वीडियो को पहले ही छोड़ के चली जाएगी, और इससे तुम्हारे ऑडियंस रिटेंशन से बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और अगर तुम्हें लगाना ही है तो 3-4 सेकंड का लगाओ, ज्यादा लगाओगे तो ये गलत है। स्टेप नंबर 4, देखो वीडियो के फर्स्ट 15 सेकंड में तुम्हें ऑडियंस के साथ एक अलग ही रिलेटेबल बॉन्ड बना लेनी है। कौन सी बॉन्ड की बात कर रहा है ये? अरे रे, वो बॉन्ड की बात नहीं कर रहा मैं वो बॉन्ड की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट 15 सेकंड में तुमने बोली है, वो ऑडियंस के रिलेटेबल होना चाहिए। लाइक एक बार मेरी वीडियो का इंट्रो देखो, हाउ टू हुक ऑडियंस इन जस्ट 15 सेकेंड। या यूट्यूब की जो मेन थिंग मैटर करती है वो यही है कि ऑडियंस को 15 सेकेंड कैसे रोकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ, तो तुमने देखा मैंने कितना सिंपल इंट्रो क्रिएट करके तुम लोगों को हुक कर लिया। बस ऐसा तुम भी कर सकते हो। आग लगानी है 2024 में, बस यूट्यूब को फोड़ना है। और अगर तुम्हारे इम्प्रेशन ही नहीं आ रहे तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।